यातायात नियमों और सड़क पर सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमीरपुर डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने आज पुलिस के साथ यातायात कानून की बारीकियां सीखी। हमीरपुर शहर में एनसीसी कैडेटों के द्वारा बस अड्डा देवपाल चौक के अलावा मुख्य बाजार में यातायात नियमों की जानकारी हासिल की तो इस अवसर पर यातायात पुलिस कर्मियों के मार्गदर्शन में एनसीसी कैडेटों ने जगह जगह पर जाकर यातायात को कंट्रोल करने के साथ सड़क पर नियमों के बारे में जाना। डिग्री कॉलेज हमीरपुर के एनसीसी कैडेटों ने बताया कि एनसीसी कैडेटों ने यातायात नियमों की जानकारी हासिल की और सड़क पर सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों का पालन कैसे किया जाना चाहिए और सड़क किस तरह की गतिविधियां होती हैं उनकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम अखिल है, मैं राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का छात्र हूं। आज हम यहां पर लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग नियमों का पालन करें और सभी जो है एक अच्छा समाज बनाने में हमारी सहायता करें। सर, मेरा नाम कैडेट आरुषि डोगरा है, मैं डिग्री कॉलेज हमीरपुर से हूँ। हम यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानने के लिए आए हैं। हमको एनसीसी के द्वारा अलॉट किया गया है यहाँ पे, और जैसे कि हर जगह हर चौक पे पुलिस वालों के साथ दो दो कैडेट्स अलॉट हो रहे हैं जस्ट फॉर द सेक की ट्रैफिक रूल्स हमको समझ आए। क्या मानते हैं लोग, क्या सड़क पे क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सर, सड़क पे हमेशा अपने लेफ्ट में चलना चाहिए और जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो सब ओबे करने चाहिए। मैं दिनेश भारद्वाज और मैं एनसीसी हमीरपुर जीडीसी कॉलेज से हूँ और हमने आज सुबह यहाँ यह सीखा कि हमें यह रोड पे हम अगर चलते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। वो जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए कि हमें अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो हमें अपनी मतलब किसी सड़क दुर्घटना से बचना चाहिए और दूसरों को भी यह सिखाना चाहिए कि हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। वहीं पुलिस यातायात कर्मी रतनचंद दीवान ने बताया कि एनसीसी के छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी दी है और सड़क पर नियमों के पालन न करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है इसके बारे में भी बताया गया। सर, बच्चों को एनसीसी कैडेट्स को हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया और जैसे ट्रैफिक चौकस पे ट्रैफिक द्वारा कंट्रोल करते हैं उसके बारे में हमें जो ट्रैफिक्स मुलाजमान में ड्यूटीज पे लगे हैं उनके साथ उनको लगाया गया ताकि वो देख सकें किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। इसी से संबंध में मैंने इनको ब्रीफ ये भी बताया कि जैसे कोई भी अगर ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसके विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। ट्रैफिक्स एमबी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाए, बताया उनको कि हेलमेट लगा के चलना चाहिए और साथ में जैसे जेब्रा क्रॉसिंग होती है तो उसमें जो है पैदल आदमियों के क्रॉस करने के लिए होती है वो जेब्रा क्रॉसिंग, इससे बारे में अवगत कराया तो जितने नियम उसके बारे में हमने बताया इनको। एसपी हमीरपुर कार्तिकेय गोकुल चंद्रेन ने बताया कि सड़क हादसों को कम करने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि एक माह तक सड़क सुरक्षा माह के तहत भी अभियान चला हुआ था और अगले सप्ताह से पुलिस के द्वारा भी यातायात जागरूकता सप्ताह चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अवेयरनेस का कैंपेन चला रहे तो इससे मेरे को लगता है बहुत लोगों के लिए फायदा होगा और आने वाले समय में भी ये सड़क हादसे कम होने की अच्छी संभावना है क्योंकि एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत बड़ी एक मतलब ये सफलता है पिछले एक महीने में जिन्होंने जो काम किया है। आने वाले अगले हफ्ते में हम पुलिस डिपार्टमेंट भी प्लान कर रहे हैं तो हम भी एक ऐसे ही एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम अवेयरनेस जनरेट करेंगे और उसके अलावा जो छोटे लड़के हैं जो हुआर मोन प्रोन टू एक्सीडेंट्स उनको भी ये सड़क हादसों के इश्यूज के बारे में हम समझाएंगे और इंश्योर करेंगे कि हादसे कम हों।